आज हमारी कॉन्स्टुनसी वर्किंग बॉडी मीटिंग है ये रफ़ी आबाद के डाक मंगला चिजामा में है ये पहले स्टेट लेवल पर होता है ये चौदह पंद्रह सोलह स्टेट लेवल पर था जो पिछला नवंबर गया उसके बाद जोन लेवल पर होता है 21, बाईस चौबीस ये गुलमर्ग में था तीन ज़िले का एक जोन होता है उसके बाद चार दिसंबर को ये बारामला डागमंगले में था अब उसके बाद पाँच से ये कॉन्स्टिटेंसी लेवल पर चल रहा है आज नौ तारीख है आज रफियाबाद में है कल दस को बारामला में होगा ग्यारह को ये उड़ी में होगा इसमें हमारा सेक्टर इंचार्ज होता है चार पोलिंग स्टेशन का एक सेक्टर टीम हम बनाते हैं उसके बाद हमारा वन बू ट यूथ यानी एक पोलिंग स्टेशन का वन बू ट यूथ हम बनाते हैं ये सब जो तैयारियां हैं ये आने वाला इलेक्शन मार्च अप्रैल में जो होगा ये सब उसी के लिए है और पार्टी की गतिविधि जो होती है पार्टी के काम जो होते हैं पार्टी के ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं जैसे कांस्टेंसी प्रेसिडेंट है कांस्टेंसी जनरल सेक्रेटरी है मोर्चाज है वगैरह है उन सब का तीन महीने में जो काम दिया था उसका संचालन करना होता है वो कहाँ तक पहुँचे फिर अगला अगर कुछ पेंडिंग है शव का शव नहीं हुआ पचास साठ सत्तर हुआ है उसको हम लिमिटेड डेट देते हैं कि इस डेट के अंदर होना चाहिए कुल मिला के ये सारा कुछ जो है ये इलेक्शन की तैयारियां हैं बपित रावत जी उनके वालद मोहतरम जो वो झारखंड से हैं वो बारामूला में जर्नल रहे हैं और बपित रावत जी ने यहाँ हमारा जो सेंट जोसेफ स्कूल है बारामूला में वहाँ एक से छः तक उसने पढ़ाई हासिल की है उसका जन्म जो है वो बारह में हुआ है वो हमारे जर्नल यहाँ रहे जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में अपने बाप का फोटो दिखाया ये यह यहाँ जर्नल था मेरी जब मैं बच्चा था यानी उसका कहना है कि मैं हर वक्त स्कूल से आकर इस कुर्सी को देख रहा था कि मैं कब ही इस कुर्सी पर बैठूं और फिर उसने के मुझे फोटो दिखाए कि मैंने छह पढ़ा है उसका एक दिल्ली रिश्ता बारामूला जून के साथ था वो यहाँ हमारा सेक्टर कमांडर रहा वटलब में सेक्टर कमांडर होता है सेवन सेक्टर का कमांडर रहा उसके बाद जनरल बना चौदह साल उसने एज ब्रिगेडियर से जनरल तक यहाँ निकाले और बारामला की एक रीत रही है जो भी डीआईजी आई यहाँ आएगा वो आईजी जी ही यहाँ से जाएगा जो भी ब्रिगेडियर यहाँ आएगा वो जनरल बन के ही यहाँ से जाएगा बारामूला से ही वो जनरल बन के गया बारामला के और उसके बहुत सारे रिश्ते हैं इसलिए हमारा बड़ा भाई है पार्टी के ओर से उसका बाप भी जिंदा है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी का बीजेपी के अच्छे ताल्लुक इसके साथ थे हमारा आज बड़ा भाई मरा है आने वाले इलेक्शन जो 2022 में हैं हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि 50 पार हमारे नब्बे सीटें टोटल हैं और अल्लाह ताला के फजल कर्म और इनायत से आप लोगों के दुआओं से आप लोगों की मदद से साठ सीटों पर हमारी सरकार बनेगी बीजेपी साठ सीट लेकर यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगा और मतलब हो गया पचास से आगे ये साठ भी हो सकता है सत्तर भी हो सकता है और साठ सीटों पर हमारी सरकार बनेगी चीफ मिनिस्टर हमारा भारतीय जनता पार्टी का होगा और इनशालाहमान इनशाला मुस्तान बीस सीटें हम कश्मीर वादी से लेकर जाएंगे हमारे कश्मीर वादी से ऐसा खेल होकर जाएगा कि दुनिया तमाशा देखेगा और डांस लगेगा सात दिन सड़कों पर आसू में आप देखते जाइए इनशाला वन हैंड आज जहां पर हम हैं आपसे वादा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर यहां मीटिंग करेगा आपसे वादा है और इनशाला रहमान आज तो खाली है यहां मैं कल सोच रहा था कि यहां दो चार कमरे होने चाहिए आपको मैं आठ कमरे बनाकर यहाँ से दे दूंगा जहां पर हमारे वी आई पी रात को यहाँ रुकेंगे और मुलाजिम लगेंगे ये 2022 में ही हम आपको करके देंगे 2022 30 तीस दिसंबर तक ऐसा रफियाबा व बंगला बनेगा कि बारह मला को भी पीछे छोड़ेगा